अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एकेडमिक इन्फो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल वोकैबुलरी को, और मैं आपको बताऊंगी कि हम फॉर्मल वोकैबुलरी कब और क्यों यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ मैंने फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्ड्स की एक लिस्ट तैयार की है, जिससे आप बेहतर तरीके से इसे समझ सकेंगे। तो मैं अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब हम किसी छोटे या अपनी एज फेलोज से बात कर रहे होते हैं, तो हमारी बात करने का स्टाइल और टोन बहुत अलग होता है इसकी निस्बत जब हम अपने से बड़े से बात कर रहे होते हैं। और फ्रेंड्स में तो हम लोग तुम से बात कर लेते हैं, तू भी बोल देते हैं, लेकिन अगर हम किसी अपने से बड़े से बात कर रहे हों तो हम आप से बात करते हैं, आप बोल के बात करते हैं। तो सेम इज़ द केस विथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वोकैबुलरी। इसके अलावा हमारे बोलने का स्टाइल, हमारे जो अल्फाज होते हैं, वो एक और चीज़ पे डिपेंड करते हैं, वो ये कि हम कौन सी सिचुएशन में हैं। अगर तो हम फ्रेंड्स की गैदरिंग में बैठे हुए हैं, तो हमें कोई परवाह नहीं होगी कि हम क्या बोल रहे हैं, हमारे अल्फाज हम जो बोल रहे हैं वो ठीक हैं भी या नहीं, हम तफरी कर रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम बहुत ही कोई सीरियस मीटिंग में बैठे हुए हैं, तो हम ऐसे अल्फाज से परहेज करते हैं जो कि ऑफेंसिव हों। इसी तरह राइटिंग स्टाइल्स भी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, एक फॉर्मल राइटिंग होती है और एक इनफॉर्मल राइटिंग होती है। फॉर्मल राइटिंग में अगर हम कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं, सीवी बना रहे हैं, या अगर हम ऑफिस में कोई लेटर या एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो इस तरह की जो सारी चीज़ें होती हैं वो फॉर्मल राइटिंग में कंसिडर होती हैं। और अगर हम इनमें इनफॉर्मल वोकैबुलरी या इनफॉर्मल वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो बहुत ही बुरा इंप्रेशन जाता है। इवन कि हमारे जो पेपर्स हैं और असाइनमेंट्स हैं, उनमें भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम फॉर्मल वर्ड्स का यूज़ करें। और जो फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्ड्स का यूजेज है ना, ये देखा भी राइटिंग में ही जाता है, क्योंकि अगर हम कहीं फॉर्मल मीटिंग या फॉर्मल प्रेजेंटेशन में इनफॉर्मल वर्ड्स भी यूज़ कर लेना, तो वो स्पीकिंग में इतना नोट नहीं किया जाता, लेकिन राइटिंग में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है वोकैबुलरी पे, तो वो लाजमी फॉर्मल राइटिंग में फॉर्मल ही होनी चाहिए। तो अब चलते हैं लिस्ट की तरफ। तो लेफ्ट साइड पे इनफॉर्मल वर्ड्स हैं और राइट साइड पे फॉर्मल वर्ड्स हैं, और ये दोनों एक ही मीनिंग कन्वे करते हैं। बेसिकली ये अल्टरनेट वर्ड्स हैं कि अगर एक नहीं तो दूसरा, वो वाला नहीं तो पहले वाला, ये चीज़ है। तो जैसे टेल, इसका फॉर्मल वर्ड है इनफॉर्म। अब अगर हम बोलते हुए बोलें कि ही टोल्ड मी दिस या ही टोल्ड मी दैट, तो वो ओके है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हम राइटिंग में लिखें ना कि ही टोल्ड मी दिस, तो वो थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाएगा। तो हमें फॉर्मल राइटिंग में लिखना चाहिए ही इनफॉर्म मी या ही इनफॉर्म्ड मी। नेक्स्ट वर्ड इज गेट। गेट का फॉर्मल वर्ड है रिसीव। ऑल्सो मोर ओवर, बाय, परचेज एंड फिनिश, यूज, यूटिलाइज। अब ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमें आते हैं, लेकिन स्टिल हम राइटिंग में भी इनको यूज़ नहीं करते। अब ये दोनों ऐसे वर्ड्स हैं कि हमें दोनों आते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें फॉर्मल वोकैबुलरी नहीं आती, हमें आती है, लेकिन हम इतने कॉन्शियसली या इतने केयरफुली नहीं लिख रहे होते कि हम इनफॉर्मल वोकैबुलरी ही एकेडमिक राइटिंग में भी यूज़ करते हैं। अब ये वाली लिस्ट देखें। चांस, चांस क्या है, अपॉर्चुनिटी, हेल्प, असिस्ट, सॉरी, अपोलोजाइज, चेक, वेरीफाई, पुट इन, इंसर्ट, हर्ट, डैमेज। अब हम लिखते हुए लाइवली नहीं यूज़ कर सकते, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग लाइवली वी शुड यूज एनर्जेटिक। यू आर सो एनर्जेटिक। हैव टू, मस्ट, सीम, अपीयर, कीप, प्रिजर्व, पुट अप, टॉलरेट, आई थिंक, इन माई ओपिनियन। और आई थिंक अक्सर यूज़ करना पड़ता है हमें लिखते हुए भी, तो हमें आई थिंक बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, इसकी जगह हमें यूज़ करना चाहिए इन माई ओपिनियन, इन माई व्यू पॉइंट, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। मैड, इनसेन, आस्क फॉर, रिक्वेस्ट, ही रिक्वेस्टेड मी टू डू दिस, लुक इनटू, इन्वेस्टिगेट, रेफर टू, कंसल्ट, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, हंग्री, फैमिश्ड, रॉन्ग, इनकरेक्ट, This answer is incorrect, not wrong, while writing specially. Mad, formal word hai complete, death, demise, live, reside, empty, vacant, show, demonstrate, dare, challenge. Next word is mend, aur iska formal word hai repair, idea, notion, see, observe. नीड का है रिक्वायर, गुड,
पॉजिटिव, ब्रेक डाउन का है कोलैप्स। अब ये लिस्ट मैंने इसलिए दी है कि आप लोग इन वर्ड्स को याद करें, बेशक याद करें, क्योंकि राइटिंग के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ये एक स्किल है जिसे सीखना चाहिए, और अगर उस पर मेहनत करनी पड़ी है, उसके लिए कुछ वर्ड स्पेशली याद भी करने पड़े हैं, तो हमें करने चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कॉमेंट लाजमी करें। थैंक यू।